भाई खोल दो, अंदर कौन है? मैं काफी देर खड़ा भी रहा था यहाँ पे, कोई है? मैं क्या भाई, आएगा अब, आएगा अब, आएगा अब, आएगा। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज दिन है मेरा निकलने का वापी के लिए। वापी से मेरे को जाना नासिक, लेकिन अभी मैं हो गया हूँ रेडी और बैग पूरा मेरा पैक है, बस कर ही रहा हूँ थोड़ा बहुत पैक, और लैपटॉप वगैरह डालना है मैंने। और दूसरी चीज़, मैं ना शूज़ बैग में पैक कर दिए, चप्पल में जाऊँगा। क्यों जाऊँगा चप्पल में? क्योंकि सामने स्टेशन है, स्टेशन में बस ट्रेन में बैठती है तो बैठ जाना सीट पर क्या, हाँ शूज़ संभालूंगा, इसलिए पैक ही कर दिए। और कल रात को उतरूँगा मैं, और बाहर का भी नज़ारा देखें कुछ कैसा है। ओए होए 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 भाई, धूप 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 धूप, बहुत धूप है। बंदी कर दो, बंदी कर दो, बहुत गर्मी है बाहर भाई। इस गर्मी में मैं कल गिरनार पर्वत पर चढ़ा था जाके। तो चलो यार, कॉल आ गया अपना, ब्रेकफास्ट रेडी है, एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं। वही होगा अपना था, इडली, क्या कहते हैं उसको, पोहा, थेपला, कुछ इससे अलग मिलेगा तो वो भी खाते हैं, ठीक है? तो बने रहना वीडियो में। मैं भाई दबा के सोया था यार, कान से सारी दूर होगी। अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि 10 बजे तक ये है, अभी टाइम हो गया 9:30। खाना खाने के बाद ना इनका स्विमिंग पूल भी देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं इनका स्विमिंग पूल भी है। आज की जो अपनी ट्रेन है वो है 1 बजे, जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है, वो उसको मैं ट्रैक करता रहूँगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। आपने स्टेशन तो देखा ही है ना कितनी दूर है, मुश्किल से 50 कदम होंगे, कदम मुश्किल से। चलो भाई बहुत स्लो चलती है ये, 5-10 मिनट तो यहीं लगा देती है। यहाँ पे होता है इनका बफे सिस्टम। आज लोग कम है, कल बहुत ज़्यादा थे। चलो भाई अपना खाना पीना हो गया, आज तो इडली के साथ पूरी भाजी भी थी, बेस्ट हो गया काम। चलो भाई चलते हैं अब हम। भाई देखो यहाँ से कितनी पास है, वो हो रहा था रेलवे स्टेशन, देख रहे हैं आपको, मैं बाहर ही आ गया अभी। देखो वहाँ पे वो जो बंदे जा रहे हैं ना, हो रहा बस अपना, और 1-2 घंटे में चेकआउट है, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई घंटा अगर बजने वाला है, चलो यहाँ पे खड़ जाता हूँ मैं, देखो 10 बजने वाले हैं, 10 घंटे बजेंगे अभी, 10 घंटे बजने वाले हैं, 10 टन टन टन। आज ही बज रहा था और मेरे को सपना पता क्या आया, कोई आदमी हथौड़ा लेके आ रहा है और एक बड़ा सा तवा लेके उसके ऊपर मार रहा है। मेरे का सपना आ रहा था, जैसे ये बज रहा था मेरे कानों में, और ये सपना ऐसा आ रहा था कि तवे पे कोई ऐसे मार रहा है, टन टन। कैसे कैसे अजीब अजीब दिमाग में ख्याल आ जाते हैं। आवाज़ सुनो, अगर आवाज़ आएगी यहाँ तक, बस आने वाली है। आई ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नहीं सुन देता भाई, 1 से 6 बजे तक तो बढ़िया नींद आ जाती है, जब 7 में बजने स्टार्ट हो जाता है फिर नहीं आती नींद। चलो यार पैकिंग वगैरह तो हो रखी है, लेकिन और जो भी कुछ भूला तो नहीं, वो पैक वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। मैं अपने रूम तक आ गया था, लेकिन मैंने कहा आपको पूल तो दिखा दूँ, स्विमिंग पूल तो ऊपर है भाई, 4th फ्लोर पे है, तो देखते हैं। ये लिफ्ट भी बहुत देर लगाती है आने में। अब आएगा भाई पूल, मेरे ख्याल से 4th में ना कोई रूम वगैरह नहीं होंगे। ये 2nd है, नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लग रहा था ऊपर जा रही है। एक बार ऐसा हो गया, मैं लूप में घूम रहा हूँ, ये भाई मेरे साथ ही गया था, मेरे साथ ही, मैं क्या 2nd में जा रही है, 4th पे नहीं जा रही है, बताओ। 4th पे क्लिक किया हुआ मैंने, ऊपर जा रही है नहीं, फिर 2nd पे कैसे आ गई थी ये, पता नहीं भाई। वो रूम तो मेरे ख्याल से नहीं गए, यहाँ भी होंगे या नहीं है ना, टेरेस है ये रहा भाई, पूल एंट्री यहाँ से है। देखो भाई पूल भी देखो इनका, टॉप से साफ पड़ा है भाई, क्लोरीन दबा के छिड़की हुई है इसमें। मैं जाता नहीं यार पता है पूल में, बहुत बहुत कम जाता हूँ पूल में मैं, क्यों जाता हूँ पता है रीज़न क्या है उसका भाई, कुछ ही सेकंड में टैन हो जाती है बॉडी, कुछ ही सेकंड में, इसलिए मैं घुसता ही नहीं अभी फ़िलहाल।
तीन फीट का पूल है, तीन, ये दिखाने के लिए आया था आपको मैं, दिखा दूँ। चलो भाई चले हम। सबसे बढ़िया पूल अभी तक अपने को मिला था स्टैचू ऑफ यूनिटी में, जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे मिला था भाई, बहुत ज़बरदस्त था। ये होटल का टेरेस है। अब हम चलते हैं रूम में, मैं तो वैसे देखने आ गया था यार। इतने बड़े होटल में सिर्फ एक लिफ्ट है यार, बस वो बच गए, और एक डेढ़ घंटे तक मैं निकल जाऊँगा या नीचे वेट कर लूँगा। चलो भाई ये व्यू देख लो लास्ट टाइम, फिर हम निकलते हैं अब यहाँ से। चलो निकलते हैं। और सबसे इस रूम की खास बात होता क्या है, पहाड़ तो दिख रहे हैं लेकिन और दूसरी चीज़ भाई, ये राउटर बिल्कुल रूम में लगा रखा है, सारे रूम में लगा हुआ है राउटर। तो चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, स्टेशन चलते हैं, स्टेशन भी पास ही है। चल भाई बाय बाय रूम। पानी की बोतल उठा ही लेता हूँ थोड़ी सी, ना ज़रूरत पड़ जाती है भाई, क्योंकि शूज़ की ज़रूरत है नहीं, अब ट्रेन में जाना उतारना ही पड़ेगा। इस बार यार ट्रेन की ना अपर बर्थ मिल गया मेरे को, बोलता हूँ नीचे बड़े मज़े ले लिए थे, बैठ के ऊपर बैठ। चलो भाई कुछ आया तो है ना रूम में, एक बार नज़र दोबारा मार लो, मुझे चेक करना जरूरी होता है। नहीं नहीं नहीं, रीचेक कर लेता तो बंद हो गया। चलो भाई हम बैठ के यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम निकलते हैं वहाँ पे, और ट्रेन चल पड़ी अपनी ब्रावल से, और यहाँ पे पहुँचेगी वो 1 बजे, 1 बजे पहले भी पहुँच सकती है, लेट में भी, लेट भी, क्योंकि ट्रेन का कुछ नहीं पता टाइम कैसे लेती है। भाई यहाँ बैग रख दिया मैंने रिसेप्शन पर, यहीं पर बैठ गया, अभी वेट कर रहा हूँ, इनको की देता हूँ, रिसेप्शन पर बंदे खड़े हुए हैं, तो मैंने की दे के सारा हिसाब किताब डन करके फिर निकलता हूँ स्टेशन के लिए। अभी भी है वैसे आधा घंटा, लेकिन मैं निकल गया जल्दी, मैंने कहा वहीं पर जाके बैठ जाऊँगा, पता नहीं लगता ना यार कब आती है ट्रेन। वैसे तो 6 मिनट लेट दिखा रहा है अभी। ये रहा स्टेशन भाई, अभी तक के ट्रिप में ना सबसे नज़दीक स्टेशन मिला है मेरे को, रेलवे स्टेशन होटल के बिल्कुल नज़दीक, ये होटल इसके नज़दीक। सही है यार, ऐसे ही होना चाहिए, इतनी नज़दीक ही होना चाहिए, 50 कदम भी ना लगे जाने के लिए। जूनागढ़ बाय बाय। तो भाई टिकट पे तो लिखा हुआ है स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, मुझे लगा 4 पे आएगी, 4 पे तो वापी पे लिखा हुआ था, 4 पे नहीं 2 पे, चेंज हो गया था दोबारा मैंने जब किया ना डाउनलोड, यहीं पे आएगी। सौराष्ट्र मेल B4 अपना H1 है, H1 कहाँ पे होगा, B1 B2 आगे होगा H1। ट्रैक देखो इतना चौड़ा है, और जो मीटर गेज था ना उसका छोटा ट्रैक था भाई। ट्रेन पूरे पूरे 13 मिनट लेट है, अभी भी 1:13 लेट है। 19218 नंबर है ट्रेन का सौराष्ट्र मेल, और जितने बंदे हैं ना सारे ट्रेन में जाने वाले हैं उसी में सौराष्ट्र मेल में। मुझे लगा टाइम पे होगी, 13 मिनट लेट होगी, उन्होंने बोला था ना कभी भी हो सकती है लेट, हो अभी होगी लेट। ये रहा 19218। देखो भाई जैसे अपने चंडीगढ़ में आता है ना GARH, यहाँ पे जूनागढ़ में GADH वो लिखा हुआ, देखो GADH जूनागढ़, इनका अलग गढ़ है अपना अलग गढ़ है। अनाउंसमेंट हो चुकी है तो हम चलते हैं H1 पे, H1 होगा आगे मेरे ख्याल से, 1 मिनट, B5 है ना ये, B5 B4 B3 B2 वहाँ पे होगा, वो आ गया भाई अपनी ट्रेन, वो आ रही है, स्लो स्लो चल रही है। बस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़के, चढ़ जाऊँगा H1 देखने, मेरे को मैं कंफ्यूज हूँ, यही तो नहीं है आगे लिखा तो है वहाँ पे A1 यहाँ पे B, ये साहब बीच में मैं फंस गया। चलो देखता हूँ, देख के दौड़ लूँगा भाई, देखने को लग रही है ना कितनी स्लो चल रही है, लेकिन इस वक्त भी भाई इसकी स्पीड ना, और स्पीड इसकी दबा के होगी फुल, बंदा इसके बराबर नहीं भाग सकता। हाँ इतनी तो है इसकी स्पीड मेरे ख्याल से। अपना H1 है बिल्कुल लास्ट में होगा, लास्ट यहीं पे ही लगे, बस यार यहीं पे लगे लास्ट डिब्बे,
सवा एक बजे पहुंच गया, 1 बजे का टाइम था इसका। ओ भाई कहाँ है, बस H1 देखना है, H1 बहुत लंबी ट्रेन है भाई ये तो। भाई साहब बहुत लंबी ट्रेन है, तो देख लो अभी तक चली जा रही है। अरे रुक जा, हाँ ये स्टार्ट हो गए। ओ H1, अब नहीं ये तो B1 है, मेरे को H1 लगा, B1 B2 जाओ अपने काम का। नहीं सारे भाग रहे थे, गलत लग गए सारे, ये B6 वाले बंदे जो लगे हुए यहाँ पे। B6 A1 यहाँ रुक गया यार, ये हाल है, मच गई हबड़ दबड़, यहाँ रुक गई वहीं हबड़ दबड़ मच गई। A1 अच्छा वन में आगे नहीं गया, इसने कंफ्यूज कर दिया था मेरे को, इसने ना थोड़े गलत लिखे हुए नंबर इस पे। A2 बस इसके बाद ही होगा अपन, वो रहा H1 सही है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। देखो A2 वहाँ पर लिखा हुआ ना, A2 ये रहा, तो थोड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसके साथ। ये रहा भाई H1, अंदर बैठते हैं बाद में नंबर नंबर देख लेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक तो होगा इसका। ओहो भाई, और आपको पता है ये एक लौती ट्रेन है मेरी, जिसमें मेरे को रात को 2:30 बजे उतरना है, 2:30 बजे जागते रहना। और चलो भाई, 1570 मेरा कौन सा देखूं, मेरा है F16, मेरा F16, इनका 1517, मेरा F16, अंकल आंटी के साथ ही है F, ये तो A है। मेरे साथ ही मेरे भाई है, मेरे को लग गया पता, चिल्लाते हुए जा रहे हैं। मेरा भी F17 है, इनका 1517 है। चलो सही बंदे मिले, ये होता है भाई कूपे प्रॉपर, ये लकीली मिल जाता है कभी कभी। अच्छा ये F, ये हिंदी में लिखे हुए हैं। अच्छा मैं देखता हूँ, वो नो इसका बॉक्स का नंबर है, ये जो पूरी बॉगी है ना डिब्बा, इसका नंबर, बॉगी का नंबर, पूरा जो डिब्बा है पूरा ट्रेन का, इसका नंबर है ये। H1 है ना, ये मैं व्लॉगिंग करता हूँ, व्लॉग करता हूँ। निकल चुके ट्रेन, निकल गए यहाँ से काफी, अब मैं सोऊंगा, सो जाऊंगा, उसके बाद 2 बजे यार भाई उठना पड़ेगा मेरे को, रूम वगैरह बुक है, होटल में जाऊंगा, फिर परसों निकलूंगा नासिक के लिए, परसों नासिक पहुँच जाऊँगा। और रात को 2 बजे देखता हूँ कि सिस्टम क्या करना है, मैंने मेरे को भी ध्यान नहीं है अभी कुछ, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है कुछ भी, कैसे जाना है कैसे नहीं करना है, तो देखते रहना, बने रहना मेरे साथ ठीक है वीडियो में। और जो जो भाई नया आ रहा है वीडियो में ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, जल्दी जल्दी करते रहो। अभी अगले स्टेशन पर रुकी थी, अगले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलो भाई अभी अपने वाली सीट पे तो अंकल आंटी आए हैं, अभी एक बंदे की और जगह आ सकता है वो भी बंदा। ये कौन सा स्टेशन जहाँ पे रुकी थी, जैतल सर जंक्शन, जंक्शन ही आ रहे हैं भाई, यहाँ पे रुकी थी अभी भाई। मेरे को लग रहा था हमें कूलिंग कम है, अब ठीक है, क्या कह रहे हैं कुछ टाइम में हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा भाई। अभी यहाँ पे आके खड़ गया था ना, बढ़िया लग रहा है, आज तो कुछ है ही नहीं करने के लिए यार, बस ऐसा देख लो, बस यही देख रहा हूँ। हाँ आ गया गोंडल, हाँ गोंडल आ गया भाई, गोंडल आ गया भाई, गोंडल
गोंडल उतरना भाई। ये सही है यार, ये सही करता है, यहीं से ऑर्डर किया भाई साहब, सही ऑर्डर कर दिया यार, ये तो बढ़िया किया ऑर्डर कर दिया, पीछे से यहाँ से आ गया सही है भाई, हम लोग खाना ले लेके घूमते हैं, सही किया भाई, बढ़िया है। गोंडल कितनी देर रुकेगी? 5 मिनट रुकेगा, 5 मिनट रुकेगा, उसके बाद चल जाएगा। ये ट्रेन तो बहुत लंबी लग रही है मुझे, बहुत लंबी। कितने डब्बे हैं? डब्बे तो बहुत है, 20-22 प्लेटफॉर्म होता है, इतना ही ट्रेन होती है, काफी डब्बे लंबे हैं। एक डब्बा तो एक एक्स्ट्रा लगा ना अभी, अभी लगा है, ये लगा है ना, सब लोग हैं ना अभी, हाँ सब सब लोग बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं, एचओन में भी बैठे हैं, एसपी साहब भी बैठे हैं अभी। अच्छा, जूनागढ़ के एक डब्बा एक्स्ट्रा लगा है, हाँ। तो भाई ये तो होगी कम से कम 22 डिब्बे, 22-25 डिब्बे होंगे, जनरेटर भी आगे उसमें, जनरेटर भी बड़ा है, पीछे होगा पीछे, ये जनरेटर है ना, हाँ ये रहा भाई जनरेटर, ये हमारे ग्रीन झंडी वाले टीटी भाई साहब चलो भाई बढ़िया है, बहुत लंबा ट्रेन है यार ये तो। लास्ट वो है ना जनरल डब्बा नीले वाला, ये सब लोग का डब्बा है, लेकिन जनरल डब्बा तो आगे है। ये कौन सा है? ये सब लोग का डब्बा है, तो एसी तो नहीं है? एसी, वो लास्ट में एसी है, हाँ। अच्छा चलो भाई, सीटी बज गया मतलब चलेगी अब चलो चलो चलो, कह रहे ब्लॉगर भाई चलो चलो चलो, ग्रीन झंडी होगी उन्होंने बोल दिया, इन्विटेशन का लोकेशन आएगा। अच्छा सही है भाई, भैया बता देते हैं ग्रीन झंडी हिला के कह रहे चलो अंदर चलो, ट्रेन ऐसे चलती है भाई, अगर आप दूर हो गए ना पता भी नहीं लगेगा आपको ट्रेन निकल गई। अच्छा भैया कह रहे स्टेशन नहीं आया अभी, कह रहे शूटिंग उतारने के लिए तो खड़ा किया, अच्छा ये है स्टेशन, ओ भाई कितना लंबा ट्रेन है ना, ये गोंडल का स्टेशन है, बहुत प्यारा स्टेशन है ना यार, हाँ गोंडल। बहुत स्पीड पकड़ लिया ट्रेन ने, ये तो प्लेटफॉर्म भी बहुत लंबा है, जितनी गाड़ी लंबी है जितना प्लेटफॉर्म है उतना गाड़ी भाई, गोंडल का प्लेटफॉर्म भी बहुत लंबा है यार, यहाँ पे खत्म होगा। चलो कंप्लीट हो गया, चलो भाई अब हम भी चलते हैं, अभी बैठे हैं भाई इस ट्रेन में, लास्ट के 2 डिब्बे हैं अपने, 30 है, थर्ड लास्ट में बैठा हूँ मैं भाई। इस बार अपने डब्बे की खास बात पता क्या है, पीछे जनरेटर वाला डब्बा है और ये बंद है, कोई नहीं आ सकता, सिर्फ टॉयलेट हम जितने बंदे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे बाथरूम है, ये सिर्फ बाथरूम है, ओनली बाथरूम, बढ़िया भाई ये नीट एंड क्लीन, और इस साइड टॉयलेट है, ये टॉयलेट है भाई, ये मैं हूँ। वेस्टर्न स्टाइल समझे भाई, अभी आपको एक खतरनाक व्यू दिखाऊंगा, मुझे भाई ने बताया, कह रहा खतरनाक व्यू आएगा अभी आधे घंटे में, है ना, जरूर दिखाऊंगा आपको मैं चलो भाई, भैया बोल रहे हैं मेरे लिए वीडियो डाल देना व्हाट्सएप, मैं भाई फोन लेके आओ यूट्यूब पे निकालता हूँ पूरा, आपको देता हूँ करके, ले ये भैया का अलग से रूम है। अगला स्टेशन आएगा राजकोट, उसके बाद आएगा भाई व्यू आपको दिखाने वाला, ओ भाई मैं अटक ना जाऊँ। ये कौन सा स्टेशन है? भक्ति नगर, हाँ भक्ति नगर है, देख भक्ति नगर, बस हमारा ये हमारा डिब्बा है, इसके बाद सिर्फ ये वो है जनरेटर का डिब्बा, उसके बाद एक और डिब्बा है बस। चलो भाई ग्रीन झंडी दे दी है, अब चलेगी, यूँ घुमा देते हैं, यूँ फुहारा सा घुमा देते हैं। चलो भाई, भाई मेरे को याद से उठा देना अगर मैं सो गया ना, बापी के टाइम, हाँ सही बात है ना, कई बार सो गया भाई चाचा मेरे को पता नहीं लगता, सोऊंगा नहीं वैसे, मैं ध्यान रखूंगा, बट फिर भी याद रखना आप भी, हाँ ओए होए, हाँ भाई देखो कितनी लंबी ट्रेन है यार, ओ भाई साहब
भाई अब आ गया स्टेशन राजकोट। इसके बाद आएगा सीन देखने वाला भाई, गजब सीन। मुझे भी नहीं पता, भैया ने बताया मुझे, मैं तो यहाँ पे बैठ जाऊंगा आराम से। बना स्पीड में तो नहीं होगी ज़्यादा ट्रेन? बस स्पीड ठीक है, स्पीड में नहीं होगी, आराम से चलेंगे। राजकोट आ चुका है अभी, लेन चेंज कर ली ट्रेन ने। देखो लेन चेंज कर रही है, इस लेन को छोड़ के दूसरी लेन में आ गई है। पूरी आवाज भी ऐसे आती है। आ गया भाई राजकोट, मतलब यहाँ पे 5 मिनट रुकेगी ना, 5-10 मिनट रुकेगी यहाँ पे, फिर इसके बाद चलेंगे अपना, अपना सीन आएगा, बस उसके बाद नहीं उतरूंगा भाई मैं। ये देखो लोड हो गया यहाँ पे सारा सामान, ये ट्रेन में लोड होने के लिए है ना, वो देखो वहाँ से होगा सामान लोड सारा, यहीं पे चढ़ेंगे जितने बंदों ने चढ़ना है। चलो भाई राजकोट से तो ट्रेन चल पड़ी है, निकल गई है राजकोट से ट्रेन, अब आने वाला है बस व्यू। और सारे ट्रेन के जितने भी हेड हेड थे ना वो यहाँ पे उतरे हैं, यहीं पे बैठे हुए थे कुछ, अभी हैं चेकिंग चल रही है ना, है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई कोई। और देखो राजकोट से चल पड़ी है ट्रेन, ये भी सामने डीजल वाला इलेक्ट्रिक वाला अपने इसके आगे लगा हुआ है। अगर बाई चांस कोई चेन खींच दे तो रुकना पड़ जाता है ट्रेन को, तो इसके हिसाब से फिर सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं ना, सारा कुछ बताना पड़ता सारी जगह जितनी जितनी ट्रेनें आती हैं इसी लाइन पे। ओ भाई कोई एक बंदा भी चेन खींचे सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं ना, दिक्कत हो जाती है, उसको फाइन भी तो पड़ता होगा जो चेन खींचता होगा, फाइन होता है, मोटा फाइन पड़ता होगा, कार्रवाई भी होती है। हाँ और प्लेटफॉर्म पे गाड़ी भी उतर देते हैं, उधर ही उतार देते हैं अगले प्लेटफॉर्म पे, चौके पे लेके चलते हैं। अच्छा चौकी पे जो भी होगा प्लेटफॉर्म, सही है भाई। वाह भाई पूरी ट्रेन इसी तरह ही दिखेगी आपको, क्या बढ़िया व्यू है यार। मतलब एक व्यू आने वाला है फिर उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा, मतलब वो व्यू देखने के लिए मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, वो ये भी खुला हुआ है, यहाँ से भी व्यू देख लो आप। हैं अभी इधर ही हो आप? अच्छा आने ही वाला है। हाँ अभी बस एक सिग्नल है ना उसके बाद ये आएगा, तो चलो स्टार्ट ही होगा, आने ही वाला है भाई अभी। ओ ये रहा भाई दिखा। हाँ ये देखो भाई इतनी लंबी ट्रेन है भाई, भाई साहब भाई, वाओ फुल ब्रिज। बहुत जबरदस्त लग रहा है देखो व्यू, देखो हाँ पूरा इंजन दिखता है कि नहीं। हाँ सही था भाई, सही है ना, चलो भाई क्या व्यू, अब हम भी चलते हैं अंदर है ना, बैठते हैं अब अपनी सीट पे, व्यू देखा था इसके लिए रुकी थी भाई ये, चली गई अभी ट्रेन स्पीड में बोल। चलो भाई अपनी भी रुकी हुई है अभी, आपको क्या लगा चल रही थी लेकिन रुकी हुई थी, मुल्ली रोड पे रुकी हुई है अभी ये। अंदर बैठा हुआ था मैं, फिर अंकल आंटी सो गए लेटे हुए हैं, मतलब अब मैं क्या चलो बाहर खड़े जाता हूँ थोड़ी देर। बढ़िया रहा यार गुजरात का भी सफ़र, बहुत तगड़ा रहा। अब चल रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी जाके आते हैं गेड़ी मार के आते हैं, बने रहना बस वीडियो में। मैं रात को पहुंचूंगा 2-2:30 बजे होटल में, तो वहां पे चल के व्लॉग को एंड करूंगा, तब तक चलाता रहूंगा ठीक है व्लॉग को। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता क्या है, अगर बाई चांस चिप्स वगैरह कुछ खाना हो ना, इतनी लास्ट में हूँ मैं, यहाँ पे कुछ आता भी नहीं है, बिल्कुल लास्ट में वो सारा कुछ आगे है स्टेशन का, प्लेटफॉर्म का ना वो आगे है, सारी दुकानें दुकानें इतनी आगे है, कुछ आता भी नहीं है यहाँ तक, तो भाई दिक्कत ये भी है बहुत बड़ी, कुछ नहीं आता। सर कितनी देर रुकेगी, चल रही है? चलो भाई सर कह रहे बस चल रही है अब,
फैला दो सर, फिर ग्रीन डंडी सर सिटी मारते हैं प्रोर करके, वॉकी टॉकी के थ्रू होता है शायद कुछ, होगी ना सिटी मार दी ना। चलो भाई चलो, अब हरी झंडी आएगी बाहर, वो आ गई। चलो भाई अब चलते हैं, अपन ये बंद कर लेते हैं क्योंकि कोई ना आके यहाँ पे बैठ ना जाए यहाँ पे। तो मेरा तो मोस्टली टाइम कभी बाहर रहता हूँ कभी अंदर, अभी देखता हूँ। देखो दुकानें आती जाती दिखेंगी यहाँ पे आपको, देखना यहाँ पे कितनी पीछे लगा हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल एंड में लगे होते हैं डब्बे, 22 डिब्बे हैं पूरी ट्रेन में, पूरे 22 डिब्बे हैं। खैर इधर इस प्लेटफॉर्म पे तो है भी नहीं कुछ खाने के लिए वैसे भी, ना है नहीं भाई, एक भी दुकान नहीं है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अंदर, मैं ही जा रहा हूँ, भाई भी सो गए वाला जो यहाँ पे था ना। यार स्पीड बहुत पकड़ लेती है गाड़ी, इस वक्त होगी इसकी 130-130 की स्पीड। बाइक गया, मैं सामान ले लीजिए थोड़ा सा, लोग पर लेते हैं खाएंगे बैठ के। मुझे बैग वहाँ पे रख दिया मैंने, नीचे रखना ठीक नहीं है, इधर रख दिया। और फर्स्ट फ्लोर से व्यू देखो आप, यहाँ पे कोई आया नहीं सामने, नीचे सो रहे हैं। अब हम खाएंगे बिस्किट, भाई ऊपर बैठा था मैं काफ़ी देर से, बिस्किट वगैरह खाया सीढ़ियाँ सूढ़ियाँ तो मैं यूज़ ही नहीं करता भाई नीचे उतरने के लिए, लेकिन ऊपर देख लिया भाई, बर्थ बड़ा अनकम्फर्टेबल है, बुरा ही हाल हो जाता है, ऊपर अंधेरा हो गया भाई। अभी एक स्टेशन आने वाला है, अंधेरा हो गया देखो बाहर पूरा, मेरे को मेरी परछाई दिख रही है यार, एक तो समझ नहीं आता यहाँ से बोलना है। अरे भैया सो गए थे आप, सो गए थे ना, मैं दो बार गया यहाँ से घूम के, देखो अंधेरा हो गया। अभी स्टेशन आने वाला है ना, अभी रात को 8:30 बजे आ जाएगा अहमदाबाद, 8:30-9 बजे अहमदाबाद आ जाएगा। ये दोपहर से बंद है, जब से मैं आया हूँ ना मैंने खटखटाया तब से, फिर मैं उधर गया वॉशरूम, ये खुल ही नहीं रहा। और भाई खोल दो अंदर कौन है, मैं काफ़ी देर खड़ा भी रहा था यहाँ पे कोई, मैं कहा भाई आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, खुला ही नहीं, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्यों खोल नहीं रहा। मैं उधर गया था वॉशरूम, यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसे बंद ही चल रहा है। वहाँ यार एक टीटी को लेके आ गया बंदा, वो आ गया देखो भाई कौन है, पता तो लगे। दिक्कत हो रखी है कोई है, मेरे को दोपहर को बता देना चाहिए था, ये रुकवा भी देंगे रिलेटिव हो तो होते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, लोग हो गया था भाई यार, ऑटोमेटिक लोग हो गया था यार, यार अपने भी लोग हो गया था, है मैं भी कहूँगा यार अपने आप लोग हो गया था ऑटोमेटिक, मैं पता नहीं कैसे क्या दिक्कत होगी, अपने आप लोग हो गया था भाई, दिक्कत हो जाती है ना इसे। बोर हो गए अंकल एंड आंटी, बोर हो गए आंटी भी बोर हो गए, बाहर ही खड़े हैं ठीक है, अंकल भी बोर हो गए। आपको तो सुबह उतरना है, सुबह उतरना, फिर तो सो जाओ आप, सोना नहीं है अभी, नहीं सोना अभी, कहाँ सोना है अंकल, तो 1-2 बजे सोने वाले हैं। डॉक्टर साहब इतनी लेट होते हैं सच में, डॉक्टर साहब इतनी लेट नहीं है, वो डॉक्टर है भाई, सच में इतनी लेट नहीं होना चाहिए, इतनी लेट तो मैं नहीं सोता, मैं खुद हद 11-12 बजे सो जाता हूँ मैं। हम ही बाहर है भाई और कोई बाहर, बोल दिया अंकल आंटी को कि मेरे व्लॉग देखने, आपने किसी के देखो ना देखो अंकल अंकल अभी बोल रहे कैमरे के सामने, पीछे बोल रहे थे आंटी देखेंगे, ऐसे बोल रहे थे ना, अरे आंटी देखेंगे
नहीं आंटी तो देखेंगे जरूर, जहाँ जहाँ जाऊंगा ज्योतिर्लिंग के सारे दर्शन करना। अब भाई ना हमें नींद आ रही है, हम बैठे बैठे भी थक गए, इसलिए हम ही बाहर हैं, बाकी सारे अपने अपने कैबिन में हैं। एक्चुअली दिक्कत हो गई थी अभी, मेरे को ऐसा लगा सच में कोई है अंदर, पता नहीं कुछ दिक्कत ना होगी हो इसलिए, बट निकला कुछ नहीं अंदर से। खोदा पहाड़ निकला। गुजराती में भी सेम कहावत। अच्छा ऐसे भी डूंगा निकरो अंदर। निकलो उंदन, पहाड़ और निकलो उंदन, निकला उंदन। उंदर मींस चूहा, चूहा। खोदियो गुंदन निकला मुंदन। खोदियो डूंगर, खोदियो डूंगर, डूंगर डूंगर। अच्छा खोदियो डूंगर निकला उंगन, उंदर 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 मतलब चूहा। उंगर डुंगर निकला उंगर, निकलो उंगर, उंदर उंदर। ठीक समझ गया मैं, समझ गया उंदर, समझ गया मैं। कोई बात नहीं, ब्लॉगर छे पता छे, इनको तो पता ही है। इन्होंने मेरे को बहुत व्यू दिखाए, आए थे नहीं तो बुलाने के लिए, आजा आजा, यही आते थे, व्यू आ गया आजा ये भाई, इसीलिए आते थे। मैंने कहा भाई व्यू आ गया बता देना। इंजन कहाँ पे? मैंने बोला इंजन नहीं दिखे कहाँ पे, यहाँ ना जावा दिनो। यहाँ तो अभी टर्न आवे ना, काम टर्न आवे। हाँ वो टर्न वाला, गाड़ी वाला टर्न वो दिखाया था जब मेरे को बुलाने आए थे। अब पुल आ गया मेरा, राजकोट ज्यादा जावे, राजकोट नहीं बात रात्रि नो मजा आवे। टीम में जो है तो ये वेरा वाले थी निकले ना, एला आ वेरा वाले थी यार, बे फेरी आवे। हाँ एक आ रही तरह से ना गाड़ी अक्के हम क्रॉस में जाती हुई अगली। लेकिन जो राजकोट वाला पूरा दिखा था, पूरा दिखा था, इंजन दिखा था मेरे को, मैंने वीडियो बनाया पूरा। नहीं इंजन नहीं दिखा था, इधर नहीं चला गया, इधर वाला जो मैंने जो ब्रिज पे बनाया था, लेकिन ब्रिज पे बनाया था, लोकल से चालू किया। हाँ मतलब दिखा रहा उसे, बढ़िया था भाई, बढ़िया था। निकले उंदन उंगर, ठीक था। निकले उंगर उंदर उंदर उंदर, गुजराती खतरनाक भाषा है भाई, मेरे को नहीं समझ आता। अरे आ जाएगा, बहुत इजी है। आंटी हमारा ये है, कहीं आप कहीं और ना, उधर ये है हमारा एफ। अच्छा ये कूपे है, हाँ ये कूपे है, ये टू सीटर कूपे है। ये मैं आते हुए इसमें एक दो बार इसमें आया था, नीचे बैठा था मैं। ये बढ़िया होता है। अहमदाबाद आ गया, आ गया अहमदाबाद आ गया, कूपे वाले आ गए भाई, कूपे वाले। ये यहाँ पे कूपे होगा, ये आंटी किसी का है ना, ये होगा किसी कूपे, नहीं तो ऐसे हम सोच रहे हमारी बोगी है सारी की सारी। आंटी आप यहीं पे रहना, हमारा सामान है गाड़ी में। ये अच्छा एक ही होगा, हमारे में एक कमी थी ना, मैंने बोला था ना एक वो आ गई शायद, वो लड़की का ही होगा। मैंने कहा भाई अंदर ही रहना आंटी, आप सामान है हमारा। हो दियो अहमदाबाद आ गया ना, अहमदाबाद हाँ आ गया, अहमदाबाद जंक्शन भाई, कालूपुर। इसको कालूपुर ही बोलते, इसको बोलते स्टेशन बोलते हैं, कालूपुर स्टेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, अपना एफ कहाँ है, एफ कहाँ है अपना, ये रहा। अंकल कहाँ गए? दही लेने के लिए। अंकल बहुत वो करते हैं, पूछ कहते हैं अंकल को, अंकल क्या क्या लेने गए हो, अंकल क्या लेने आ गए हो आप? पानी तो अंदर भी था, आता तो है पानी। अच्छा दही नहीं, मेरे को नहीं खाना अभी, नहीं खाना दही। ये छाछ है, मैं रात को नहीं पीऊँगा। अरे मैं कल पी लूंगा, चलो अरे कहा पिएगा तू, चलो यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद निकलेगी यहाँ से अहमदाबाद बस, फिर तो धीरे 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 गुजरात कंप्लीट, उसके बाद महाराष्ट्र शुरू। चलो भाई चलो, हो गया ग्रीन सिग्नल, हो गया, रात को टॉर्च मारते हैं। ये अपना ये वाला असलम कहाँ गया, यहाँ पे जो था क्या, मेरे को लग रहा है किसी ने खींची है, चैन पुल की है ना, किसी ने पुल किया मुझे लग रहा था। एकदम से रुका ना, झटका मार के रुका, पता नहीं किसने किया भाई पुल, अपने अपने इसमें से तो नहीं किया किसी ने पुल।
अच्छी खासी चल पड़ी थी भाई। चैन पुल कर दी। चैन किसने किया? चैन खींची। चैन किसने किसने? क्या मालूम जनरल स्लिप। आज हम बात ही कर रहे थे चैन खींचने की। इंडियन चैन खाली खाली कहते डन चैन। नहीं अगर वैसे खींच देगी किसी का मेंबर बाहर रह गया तो चलेगा। तो भी चलेगा वो आने के बाद फाइन लगेगा। फाइन लगेगा बट जेल वगैरह तो नहीं होगा ना। चलो होता है ना चैन खींचा वो आपको जाने देगा तो वो ऊपर का जॉब देगा। हाँ सही कह रहे हो भाई। सही राइट किया होगा भाई। किसी ने खींच दिया हमें भी नहीं पता किसने खींचा है। मेरी लाइफ में तो पहली बार चैन खुल रही है और इतनी जल्दी ट्रेन चल भी पड़ी। अब आधा आधा घंटा डिले होंगी सारी ट्रेनें है ना। बताओ यार दोबारा ऐसा झटका लगाना गाड़ी में बता नहीं सकता मैं। उठता उठता भी आया हूँ लेटा हुआ था खाना खा रहे थे एक्चुअल में पता लगा गाड़ी आगे लड़का आया एक। इतनी दूर है एकदम से ब्रेक मार दिया। शुक्र है ट्रेन स्लो थी। ट्रेन स्लो थी इसलिए। क्या हुआ ट्रेन लड़का आ गया था आगे पता नहीं क्यों जान देने आया था जानबूझ के। जान इसमें रहता ही है ये तो कुछ नहीं है कभी कभी एक से एक बार तो खोपड़ी खोल दिया था भाई। स्लो था यार बहुत स्लो था ट्रेन बच गया बहुत पता नहीं मैंने कहा पता नहीं ग्रहण लगा हुआ ट्रेन को इतना गंदा झटका लगा ना। आप बोल रहे थे लेट है वो गाड़ी टाइम पे पहुंचेगा। टाइम पे पहुंचेगा भाई अब ना आ जाए कोई यार आगे यार पंगा यार बताओ ग्रहण लगा हुआ है ट्रेन पे तो यार मतलब दूसरा झटका सबसे गंदे वाला झटका यार ऐसे हिल गया था मैं गंदी तरह। ये प्लेटफॉर्म आ गया क्या? हाँ तो खोलो यार भाई कौन आया था फुफड़ देखे हम केड़ा सी भाई। ट्रेन भी तो बहुत लंबी है यार हमारी 22 डब्बे हैं अपना लास्ट ही डब्बा है भाई बिल्कुल। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ किसने चैन पुल की और दूसरा लड़का गाड़ी के आगे आ गया। ओ ट्रेन रुक गई। ये कौन सी जा रही है? ये कौन सी है? ये सुपर फास्ट गाड़ी है अपनी जैसी है लेकिन ये भी बॉम्बे ही जाएगी। ये सुपर फास्ट है? हाँ उसको क्रॉसिंग देने के लिए यहाँ खड़ी रही अपनी गाड़ी। अच्छा अपनी स्लो है? अपनी स्लो है। ये भाई सुपर फास्ट ये भी जाएगी बॉम्बे लेकिन ये इसके ये पहले पहुंचेगी ये बाद में पहुंचेगी। फिर काहे की सुपर फास्ट है भाई? कह रहा सुपर फास्ट है वो लेकिन पहले हमारी पहुंचेगी। ये दूसरा इंजन आ गया यहाँ से गाड़ियाँ ही जा रही है। कौन सा ये कौन से जगह कौन सी है ये पता नहीं कौन नाम समझ नहीं आ रहा मेरे को। मतलब जैसे ये चल रही है इतनी स्पीड होगी अपनी ट्रेन की है ना भाई। मतलब लिटरली ऐसी ट्रेन ऐसी स्पीड थी ट्रेन की हमारी और लड़का आ गया आगे और तभी एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक मार दी और झटका लगा मैं तो गिरते गिरते बचाऊं। बताओ यार ट्रेन के बस आज ट्रेन स्वाद ले रही है हमारे साथ यार। पहले पुल कर दी चेन पुल कर दी किसी ने जाएगी ये। अच्छा ये जाएगी भावनगर बांद्रा से भावनगर जाती है अभी। हाँ ये भाई के गांव जाएगी ये भावनगर वाला गाड़ी है। चलो भाई यार बट बहुत गलत झटका लगा सच में। मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं था नहीं तो आपको पता लगता कितना गंदा झटका था। 22 डब्बे है ना इसमें भी है? इसमें 22 डब्बे इसमें एसी लंबी है गाड़ी है एसी जो गई थी वो भी लंबी थी भाई। ये बांद्रा तक लंबी चलती है। ये देखो ये लास्ट डिब्बा इसके पीछे है नहीं डब्बा दूसरा भाई यार ट्रेनों की लाइन लगी पड़ी है यार हमारी कब जाएगी। ओए एक जाती है एक आती है हमारी रुकी हुई है। ओए हो गया अपना भी सिग्नल हो गया भाई। अच्छा वो तो दूसरी गाड़ी को सिग्नल दिया था हमारा नहीं हुआ अभी दूसरी गाड़ी को सिग्नल दिया था। चलो भाई चल पड़ी अपनी भी कर दो भाई असलम भाई बंद कर दो बाजार अब सुख शांति से पहुंच जाएं यार। हाँ आराम से आना यार पता नहीं कौन सा लड़का आ गया था बीच में यार।
चलो भाई लेटने जा रहा हूँ मैं, सोऊंगा ही सोऊंगा नहीं, बस बता रही है अंकल जी वैसे कोशिश कैसे आप तो सो ही जाओ, बच्चे मारने लगे। अंडी आपने कौन सा अलार्म लगा रखा है 10 बजे इस वक्त? अच्छा दवाई पीने का, ठीक है भाई मुझे उठा देना मेरे को अगर आंटी आप तो सो ही जाओगे अब ना। आप भी सो जाओ। मैं उठा मैं सोऊंगा नहीं वैसे अभी। नहीं आ नहीं रहा है जेट भाई, सोना नहीं है, समझ रहा है सोना नहीं है, नहीं आ रही है क्या करूं। उठ गया वो अभी आने वाला है, बस उठ गया था मैं, बस अपना करता हूँ पैक और निकलता हूँ, और 10-15 मिनट में आने वाला है वहाँ पे। अलार्म लगा लिया था मैंने लेकिन पहले उठ गया, बस पैकिंग करके फिर निकलता हूँ यहाँ से। अभी तो भाई अभी यहीं पर पहुँचे हैं, इसके अगला वापी है, इसके बाद आएगा वापी। उठ गया भाई मैं टाइम पे, उठ गया देख लो, नींद नहीं आती जब ऐसा होता है ना, नींद नहीं आती, वो भी आ रही है ट्रेन यहाँ से आ रही है। चलो बस मेरा बैग भी पैक किया, 2 बजे तक पहुँच जाएगा, और 15 मिनट लगेंगे, 2 बजे तक पहुँच जाएगा। ये मालगाड़ी है भाई फुल, इसके होते हैं 80-80 डब्बे, गिने भी नहीं जाते अगर जिस स्पीड में होती है ये गाड़ी, बिल्कुल नहीं गिने जाते डब्बे तो। अलग ही है ये, बस भाई आने ही वाला है, सुन बैग लेके पहले बाहर ही चला जाता हूँ। ऑन दी स्पॉट हबड़ दबड़ करने से अच्छा है अभी बैग लेके यहाँ पे रख देता हूँ बैग, क्योंकि अंदर ना सारे सो रहे हैं यार, अब तसल्ली से मैं आ गया लेके बैग। 2:15 हो गए हैं, आ गया स्टेशन भी, आने वाला है। नींद भी भाई ऐसे ही कभी आती है कभी नहीं आती, ऐसे ही रहता है। आ गया भाई वापी, चलो भाई पहुंच गए वापी, अब होटल लेते हैं, होटल चलते हैं, थोड़ी सी दूरी पे ही होटल। मैंने बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई बाहर के रास्ते, ये कह रहा यहाँ से नहीं आगे से निकलना, बिल्कुल आगे से बाहर। मैंने कहा ठीक है भाई आगे से निकलूँगा। 2:18 हो गए हैं भाई वापी में, अपनी ट्रेन का सिर्फ मेरे ख्याल से 2 मिनट का ही स्टॉप था, सही टाइम पर उतर गया मैं, लेटा रहता। हालत तो भाई बहुत आ रहा था कि सो जाऊं भाई, बस हिम्मत टूट गई थी मेरी। मैंने कहा नहीं भाई उठ साहिब चल, मतलब बाहर निकल के फिर ऑटो ले लेंगे यहाँ से। अपनी ट्रेन ये निकल गई भाई, अपना डब्बा वाला था, पल बहन के आ गया ना, थोड़ा रिलैक्स है, बढ़िया है। अब ऑटो वाला देखता हूँ कहाँ जाता है, वैसे है तो स्टेशन के पास ही लेकिन फिर भी 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे तो है। अब ऑनलाइन यार जो दिखता है बस वही फिर बुक करना पड़ता है नज़दीक में। चलो खाली नहीं है, ठीक है ऑटो हैं, मिल जाएगा ऑटो। दोनों साइड आउटसाइड था, उस साइड भी था, इस साइड भी बाहर था। अब मैं आ गया इसी साइड, ऑटो वाले से बात करता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ ऑटो में बैठ के। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से भाई। ये जो होटल है ये 4 रास्ते पे है, 4 रास्ते के आगे। अब मुझे जो बस लेनी है ना कल, वो 4 रास्ते से लेनी है नासिक के लिए, गुंजन 4 रास्ता ना, कहाँ पे है वो? बस वही रूट है, अभी बता देना, मेरे को समझा देना, ठीक है ना भाई, समझ लेंगे अभी, बेटर रहेगा। चलो भाई वापसी देख लो रात को। पहुँच गया हूँ मैं भाई होटल में, बस अभी एडिट करता हूँ उसके बाद सो जाऊँगा। चलो भाई ठीक है, व्लॉग को समाप्त यहीं पे करते हैं, 4:30 हो गए हैं, तो अब मैं सोऊंगा और सुबह जल्दी उठना है मुझे, मेरी बस है मेरे ख्याल से 11-12 बजे की, मुझे पता नहीं, मैं देख लूँगा एक बार और सो जाऊँगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहना यार, करते रहो जितना हो सकता है, प्लीज़ करते रहो, सीरीज में बने रहो मेरे साथ। और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है आंखों में, चढ़ी हुई नींद। ठीक है, आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण बाय।